Hello students, let's understand the question. X plus 1, 3, 5, 2, x plus 2, 5, 2, 3 और x plus 4. इस पूरे को solve करके हमें क्या करना है? We have to find the value of x. कैसे find करेंगे? Let's do it. सबसे पहले, what will we do? हम लोग यहाँ पे rule apply करते हैं. According to this, आप देखेंगे यहाँ पे कि x plus 1, 3 और 5, यहाँ पर क्या किया हमने? इस complete को अपन add करेंगे. According to column. ये क्या होगा? ये हमारे पास होगा c1 plus c2 plus c3, right? ये आ गया हमारे पास by column 1 plus column 2 plus column 3. ऐसा करने से क्या होगा? देखिए, ये हो गया 5, 6, 7, 8 और 1, 9. 9 plus x, ये अपने पास आ गया 9 plus x. सेम है, सेकंड में देखोगे तो आप ये यहां पे लिख देते हैं 3 और ये अपने पास आ गया 5 का, दैट इज 2, 2, 4 और 5, 9, सेम एज कितना आ गया 9 प्लस x, यहां आ गया हमारे पास x प्लस 2 और ये हमारे पास आ गया 5 का, दैट इज 2, 3 और 4, 5 और ये 4, 9, तो ये भी क्या आ गया मेरे पास 9 प्लस x, ये है मेरे पास 3 और ये है मेरे पास x प्लस 4 और ये मेरे पास आ गई डिटर्मिनेंट एज इट इज. ये लीजिए, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट निकल गया. अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 9 प्लस एक्स तीनों में आ गया तो अपन क्या करेंगे, 9 प्लस एक्स को अपन बाहर निकाल लेंगे. तो 9 प्लस एक्स को अपन ने निकाल लिया बाहर, राइट? तो यहां पर क्या बच गया हमारे पास, यहां हमारे पास बच गया 1, 3, 5 और यहां 1, x प्लस 2, 5, 1, 3 और ये मेरे पास आ गया x प्लस 4, राइट? ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज आर डिटर्मिनेंट. ये मेरे पास डिटर्मिनेंट निकल कर आ गया, राइट? अब देखिए 9 प्लस x को अपन ने क्या किया, बाहर कॉमन निकाल लिया, ठीक है? अब अपन क्या करते हैं, यहां पर माइनस करते हैं. अब माइनस कैसे करेंगे, देखिए 9 प्लस एक्स मेरे पास एज इट इज आ गया, राइट? 9 प्लस एक्स एज इट इज आ गया. तो अब देखो अपन क्या करेंगे, रो 1 में से अपन रो 2 को माइनस करेंगे. तो आर 1 को रिप्लेस करते हैं आर 1 माइनस आर 2, तो 1 में से 1 गया कितना आ गया 0. 3 में से इसको माइनस करेंगे तो 3 माइनस एक्स माइनस 2 कितना आ गया, दैट इज 1 माइनस एक्स और इसमें से अपन माइनस करेंगे तो कितना आ गया 5 में से 5 0. सेम एस हमारे पास इसको सेकंड को रिप्लेस करूंगा तो यहां पर क्या आ गया 1 में से 1 ये अपने पास आ गया 0, राइट? आर टू माइनस आर थ्री, मतलब इसमें से अब इसको माइनस करते तो एक्स प्लस टू माइनस थ्री, एक्स प्लस टू माइनस थ्री कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, राइट? और फाइव माइनस एक्स माइनस फोर ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया सेम एस 1 माइनस एक्स और ये हमारे पास है 1 और ये है 3 और ये है x प्लस 4 एज इट इज. ये लीजिए, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गई हमारे पास एज इट इज, राइट? यहां पर अपन ने क्या किया, रो 1 को रिप्लेस किया r1 माइनस r2 से और r2 को हमने सेम एज रिप्लेस किया r2 माइनस r3 से. अब देखिए यहां पे 9 प्लस एक्स तो आ गया हमारे पास कॉमन, ठीक है? और अंदर हमारे पास जो नंबर बचा इसमें आप देखेंगे यहां बचा 0, ठीक है? यहां आपके पास है 1 माइनस एक्स, यहां बचा आपके पास 0, यहां भी हमारे पास क्या है 0. अब x माइनस 1 है तो यहां माइनस कॉमन ले लो, इसको भी कर दो 1 माइनस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में, और यहां 1 माइनस एक्स एज इट इज आ गया, राइट? और यहां पर क्या आ गया, यहां आ गया 1, 3 और x प्लस 4, राइट? ये हमारे पास आ गई वैल्यू एज इट इज. अब आप देखिए हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं बहुत इजिली, तो ये कैंसिल हो गया एज इट इज, राइट? और यहां पर 0 वाली टर्म ये वाली भी कैंसिल होगी, तो बचा ये. तो यहां देखो ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो गई, तो मतलब x प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 0 और यहां करेंगे 1 माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई, किससे करेंगे, 1 माइनस एक्स को करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1, राइट? तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया. सो इट
will be like this. 9 plus x multiply by, तो ये complete आ गया, ये हो गया, right? अब यहां पर आप देखेंगे इसको हम छोड़ देते हैं, राइट, क्योंकि ये भी जीरो, तो ये भी खत्म हो गया, ये जीरो, ये भी खत्म हो गया, ये भी, तो बचा दिस वन, तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स, राइट, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया, मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 9 को हमने मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास देखो दो चीज आ गई, इक्वल्स टू में जीरो यहां चली रहा है ना, देखो क्या हो गया यहां पे, ये हो गया 9 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। एक बार तो 9 प्लस एक्स के सामने जीरो रख लेते हैं, बराबर में जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 9, और एक बार अपन कर लेते हैं 1 माइनस एक्स बराबर में जीरो, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव 1, माइनस 9 और 1 देखो कहां पे है, ये ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।